युवा चैनल दिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज नंबर। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड एंटायर सिलेबस ऑन दिस चैनल दिलियन एजुकेशन। साथ ही साथ हमने साथियों बहुत सारे 11th और 12th के आर्ट्स के भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कंटिन्यूसली हमारे प्लेलिस्ट में गो थ्रू कीजिए और देखिए आपका डिजायरेबल सब्जेक्ट वहाँ पे है या नहीं है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्व दी फॉलोइंग, क्या है? एक्सप्रेस दी फॉलोइंग क्वांटिटीज इन एक्सपोनेंशियल टर्म। तो आप सबको पता है हमको एक डिजिट के बाद, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, तो देखिए मैंने डेसिमल को कितना राइट लिया, 1, 2, 3, 4 राइट लिया। तो 3.498 × 10⁻¹ हो गया। इधर देखिए अब इसके आगे 2, तो 2 लेफ्ट ले लिया, तो ये हो जाएगा 2.354678 × 10⁻²। ओके, जब आप लेफ्ट लेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा, राइट लेंगे तो पावर नेगेटिव। अब ये देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये 7.000 जो भी है × 10⁴। और इसमें इधर ले लीजिए 1.569 × 10⁻³, कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, 1.569 × 10�³। रही बात इसके आंसर्स की, तो प्यारे दोस्तों वो भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये देखिए 1.5, वो ऑब्वियसली वो जीरो को मत भूलना, वो जीरो तो होना ही चाहिए। ये तो ये आपका पूरा आंसर भी हो। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे बिलियन एजुकेशन। और कहाँ पे है वो? ओए टेलीग्राम पे, मिस टेलीग्राम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच वन ऑफ देम। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए इसमें चार है, कैसे? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है। जीरो क्यों? डेसिमल के बाद है और लास्ट में है, 10 के पावर को तो काउंट नहीं करते। ये इनिशियल जीरो कुछ काम के नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें कितने हैं? 3। 1 है, 2 है और 3 है। इसमें कितने हैं? 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन अबव बी विद और विदाउट एक्सपोनेंट एज दे एज द केस मे बी। विथ या फिर विदाउट एक्सपोनेंट हमको इसको है, तो विथ या विदाउट एक्सपोनेंट हमको का समझ में आ रहा है, गड़बड़ी नहीं हो। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा? सिंपल, ये जो भी पावर है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 0, 1 और 0 आ गया। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी उतने ही रहेंगे, समझ में? 1, 2, 3, 0 कई, इसमें पहले सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, अब इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 1, 2, 3 हो गए बस, को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सप्रेस द क्वांटिटी अबव विद और विदाउट एक्सपोनेंट एज दे केस मे बी। ओके, तो यहाँ पे तो हमको एक ऐसा करना पड़ेगा, 1.23 ये क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन अबव दैट इज बी विद और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस मे बी। ओके, देखिए विदाउट एक्सपोनेंट अगर मैं लिख देता हूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 0, 0 आ रहा है। तो पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1, 2 कर देता हूँ 1, 2, 3 डॉट, चार फिगर थे ना, 1, 2, 3 डॉट 0 × 10⁻¹, कितना कर दूंगा इसको 1, 2, 3 × 10, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बड़ा ही डायग्राम, मतलब बोलते हैं ना, इसका सेंस नहीं क्लियर हो रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लीव करते हैं, डी पे आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो ये देखिए Cu का कितना होगा, Cu का एटॉमिक वेट दिया होगा, सल्फर का एटॉमिक वेट दिया होगा, सबको अपने को ऐड करना। Cu का एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट सब दिया होगा, सबको ऐड कर देंगे और आ जाएगा। और याद रखना ये जो 10 आगे लिया जाता है ना, इसका सब में मल्टीप्लाई, तो 10 × 18 होगा। ये नीचे जो 3 है ना तो 3 × 16, ये 2 है ना तो 2 × 23 होगा, और सबको ऐड करना, समझ में आया? तो इसका भी सोल्यूशन
आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा आंसर्स। ओ उड़ी बाबा इधर नहीं है, तो चलो हमको फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैं आपको करके बता देता हूँ, ये देखिए बाबा मैं आपको सिंपल बता दूंगा, आपको बस ऐड कर दे। तो कॉपर का कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट तो दिया जाना चाहिए, ये लोगों ने दिया है देखिए 63.5। आपको सिंपल एक का बताता हूँ, बाकी आप खुद कर। कॉपर का कितना हो जाएगा 63, सल्फर का कितना हो जाएगा 32.0, तो अपना ऑक्सीजन कितना है 4 है, एक ऑक्सीजन का कितना 16 32 48 64 40, और ये कितना होगा 5H2O मतलब 5 × 18 कितना आ जाएगा 90, तो ये 90 को जोड़ दो आपको आ गया ये। इसका आ जाएगा आपका USO4 का, चलिए एक मैं बता देता हूँ, ये 5 हो जाएगा, ये 4 और 2 6 और ये 3 9, और फिर ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 9 और ये 6 15 15 और 6 ये 20 249। ऐसे आपको सबका कर ले है, तो आसान है। चलिए आगे ई, वर्कआउट विथ एलिमेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लेड सल फॉस्फेट दिया है, तो लेड का हमको पहले मॉलिकुलर वेट ढूंढना, लेड का मॉलिकुलर वेट ढूंढ लेंगे, मॉलिकुलर वेट को हम नीचे लिख देंगे ठीक है, और फिर लेड का 3 × जो भी लेड का वेट है कितना 207 इधर रखेंगे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 3 × 207 मल्टीप्लाइड बाई 810, आपको लेड का परसेंटेज आ जाएगा। फिर फॉस्फोरस के लिए कितना करेंगे, देखिए एक का फॉस्फोरस का 31 × 2 डिवाइड बाई 810 × 100, और फिर ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो 8 × 16 डिवाइड बाई 810 करेंगे। तो ये मैंने पूरा करके रखा है आपके लिए, आप देख लीजिए ओके। टोटल उसका मॉलिकुलर वेट कितना आ गया 811, ये देखिए लेड का पूरा, ये 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, फॉस्फोरस कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 × 31 होगा, और 16 का 8 × 16, अरे मत आंसर नीचे राइट लिखा 128 और 16 टोटल 811, ये देखिए 3 को 207 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि फॉर्मूले में लेड 3। इस तरह से सबका आंसर आ जाए। सिमिलरली आप ऐसे ही किसका ढूंढ सकते हो, K2Cr2O7 का, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो K2Cr2O7 का भी मैं आपको, तो एक पोटेशियम का कितना हो जाएगा, एक पोटेशियम का 39 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 39 प्लस क्रोमियम का कितना है, एक क्रोमियम का 52 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है 16 × 7 16 × 7 112 आ जाएगा। समझ में आया 112 ओके ऐसे। तो अब जरा देखो ये 39 × 2 कितना हो गया, 39 × 2 मतलब ये हो गया 78, और ये 104, और ये कितना हो गया 112, तो ये हो गया 10 और ये 4 14 ओके, और ये हो गया 8 और 1 9 एंड दिस वन इज 2 294 हो गया। आपको किसका निकालना था, पोटेशियम का, तो क्या कीजिए 39 × 2 डिवाइड बाई 294 × 100 सिंपल, ये आप कर सकते हो। फिर उसी तरह किसका करना है आपको, Cr2 का, तो 2 × Cr का कितना है 52 / 294 × 100। प्यारे बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि सर का सोल्यूशन देख के मैं फटाफट आंसर लिख दूँ, ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख, बहुत सारे लोगों ने ये इजी इजी चीज़ों का भी सोल्यूशन दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इसे सॉल्व करो और आपका आंसर लाओ, और फिर देखो कैसा होता है, पता है हम जब सॉल्यूशन पता चल जाता है ना तो हमारा दिमाग नहीं उसमें लगता, जब तक किसी चीज़ में आपका दिमाग नहीं लगता ना आपको कंसेप्ट नहीं आया। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो प्यारे बच्चों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, बाकी आंसर तो आपको पता चल जाएगा। क्रॉस चेक कैसे करना है, जितने भी परसेंट आए सबको ऐड कर दो, और कितने से डिवाइड कर दो, सॉरी सबको ऐड कर दो, परसेंटेज जो भी आए वो 100 होगा सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे आप याद रखना हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन ले लोगे, ये 4 और ये 1 5 और यहाँ पे ये 8 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन ये 4 और ये 4, इसके लिए भी 4 एप्लीकेबल, तो 8 ऑक्सीजन ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आप, अब आगे देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रीन ट्रियल क्रिस्टल, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढ लेना है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
इन 4.54 केजी ऑफ क्रिस्टल। समझ में आया? तो इसका पूरा सोल्यूशन मैंने, जो डिफिकल्ट है थोड़ा उसका सोल्यूशन ये देखिए। तो एटॉमिक मास Fe का कितना है? 56, 32, 16 मास इतना आ गया टोटल। इतना हम लोग को फाइंड करने को क्या बोला है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढा हमने, मॉलिकुलर वेट 278 आया, फिर आयरन का परसेंट इतना है, ओके। फिर उसके बाद किसका परसेंट है? सल्फर का, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 63.31। और हाइड्रोजन का देखिए कितना है। सर 14 क्यों ले लिए? सर हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना। अरे बाबा फार्मूला देखो इधर हाइड्रोजन कितना है? 14 है ना, 7 × 2 = 14। तो जितना हाइड्रोजन होगा टोटल उधर लिखना तो होगा ही। अब आगे देखिए, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 0.09145 केजी, मतलब इतना ग्राम होगा। मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा? 4.54, इतना इतना मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये इतना ग्राम हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर, इतना इतना परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, समझ में आया। और ये वाटर का मास इजीली सॉल्व हो गया, समझ में आया। तो आपको करना क्या है, पहले मॉलिकुलर मास ढूंढ लेना। इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन, ये देखिए, पहले आपको कर लेना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। Fe का मास रखना है नीचे टोटल मास, फिर सल्फर का मास नीचे टोटल मास, फिर चार ऑक्सीजन, सॉरी फिर समवर्ड अराउंड कितने, 11 ऑक्सीजन को, 11 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, और फिर नीचे टोटल, तो ऐसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाए। फिर दूसरा क्या है, फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन इन 4.5 केजी। तो इधर देखो, 4.5 केजी मतलब 4540 केजी में कितना होगा एक्स। अब पहले इसमें पता कर लो इसका कितना मॉलिकुलर मास है। तो देखो मैंने इधर लिख के रखा है, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना था, ऊपर लिखा था मैंने, दैट इज 278 ग्राम। कितना 278, आप इजीली क्या बोल सकते हो, 278 में आयरन 56 है, तो 4540 में कितना होगा एक्स होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर ग्राम में आएगा, तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो इतना समझ में आया। ठीक उसी तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कैसे करोगे, तो यहाँ पे कितना है टोटल, 7H2 है ना, तो 18 × 7 मैंने आपको बताया था, 18 × 7 कितना होता है 112। तो इधर देखो, 278 में 112 ग्राम, 278 में 112 था, तो 4540 में कितना होगा एक्स ग्राम में आएगा, उसको भी कीजिए। आसान है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखो हीम मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इट कंटेन 0.335% ऑफ आयरन। 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। What is the molecular weight? समझ में आ रहा है क्या बोला इन्होंने, हीमोग्लोबिन कंटेन इतना परसेंट। तो देखो कैसे है, परसेंटेज ऑफ आयरन और नीचे हीमोग्लोबिन का मास, हीमोग्लोबिन इंटू 100 टू 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.335। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, वट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4 एटम है ना, तो 4 × Fe तब कितना 5. और इधर इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 और ये कितना है 0.335। सिंपल मॉलिक्यूलर वेट को उधर ले लो, ये 0.335 को नीचे ले लो, 4 × 55.84 डिवाइड बाय 0.335। ये 0. मैं इधर कर देता हूँ, 0.335 × 100 समझ में आ रहा है आप, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट सिंपल। तो 4 × 55.84 × 100/0.335 तो आपको आंसर मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया, ये देखिए। तो मैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के, उड़ी पापा ये तो दूसरा लगता है, दूसरे क्वेश्चन का, ये दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो करना है, क्या करना है, 4 × 55.84 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। सर मॉलिकुलर वेट किसका है, हीमोग्लोबिन का, और परसेंट टोटल 100, और राइट साइड कितना आ जाएगा 0.335। सिंपल मॉलिकुलर वेट को उधर लेना है, नीचे 0.335 लेना है, तो आपका आंसर इतना आ जाए। एच देखिए, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव दिस मच ऑफ, तो ये देखिए इसका पूरा सोल्यूशन मस्त वाला एकदम इधर लिख के, Na का परसेंट इतना है, कार्बन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, एटॉमिक मास इतने हैं, इनके फिक्स है, परसेंटेज ये आ गया इसका, सिंपल होल नंबर रेशियो, एम्पिरिकल फार्मूला, इज इट इजी, समझे। नेक्स्ट देखो,
ये एटॉमिक वेट और ये सिंपल है, तो इसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, अज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल टू बी 56, फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ इट्स ऑक्साइड कंटेन 70% ऑफ मेटल। 70% ऑफ, समझ में आ रहा है, एटॉमिक वेट मेटल का कितना है 56 और 70% है, तो देखिए इधर x into 56, ओके, अपॉन कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मेटालिक ऑक्साइड है राइट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इंटू यहाँ पे, या फिर दूसरे तरीके से भी हम लोग कर देखिए जो मैंने फॉलो किया है, एटॉमिक वेट मेटल का इतना हो गया और इसने बता दिया कि 70% बाय मास क्या है मेटल, तो फिर बचा हुआ 30% क्या होगा ऑक्सीजन, समझ में, तो इससे हमको उसका जनरल फॉर्मूला एक आइडिया, ओके, देयर बी एन एटम ऑफ ऑक्सीजन पर वन एटम ऑफ, देन प्रोपोर्शन ऑफ मासेस ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, तो एक मेटल का 56 हो गया और एन ऑक्सीजन हो गया और हर एक का 16, तो मास रेशियो कितना हो गया 70:30, और 70:30 के लिए अगर आप रेशियो निकालो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 16n इज इक्वल टू, देखिए ऐसे 16n इंटू 56 इंटू 70 डिवाइड बाई 30, तो ये आ जाएगा 1, समझ में आ रहा है, ये 56 एक मीटर, समझ में n इंटू 16 मीटर होंगे, समझ में आया उनका कितना है 30, ऐसे समझ में आया, तो 56 इंटू 30 अपॉन 70 टू ऐसे आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 8 तो 24/6 और यहाँ पे आ जाएगा ये n क्रॉस मल्टी, 56 का यहाँ पे कितना है 56 एक का होता है और उसका रेशियो कितना है 70, एन अपन ने ऑक्सीजन मान ली का कितना होगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन इंटू 16 इंटू 17 एंड 56 इंटू 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आ रहा है समझ में, तो 56 इंटू 30 अपॉन 70 इंटू 6, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 16, 4 6 24, 2 3 2 2 1.5, तो एन का वैल्यू या फिर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1.5, मतलब ना जो ये है ऑक्सीजन है वो 1.5 और मेटल 1, ऑक्सीजन 1.5, दो से मल्टीप्लाई कर दो M2O3, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रेशियो निकाला है सिंपल, जो प्रोपोर्शन है ना उनके मासेस का वो दिया गया, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, के बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड और सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके ये सॉल्यूशन मिल जाएगा बिलियन दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहो और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय।